गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड की देश की प्रेजेंट स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप देखें तो हमारे देश में सितंबर तक काफ़ी केसेस में वृद्धि पिछले साल पाई गई, जो कि घटते घटते करीब 8,635 केसेस अराउंड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी देश में डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट हुए। लेकिन उसके बाद से हम पाते हैं कि धीरे धीरे वृद्धि होते हुए अप्रैल माह में हमारे देश में एक स्टीप राइज इन कोविड केसेस नोट किया गया और करीब 386,452 केसेस आज यानी कि पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। इस स्थिति को अगर हम एक और तरीके से एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि हमारी करीब अप्रैल माह से केसेस में एक अत्यधिक वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि आप देखें, 5 अप्रैल के समय से करीब देश में प्रतिदिन 1 लाख केसेज आने शुरू हुए। 15 अप्रैल के करीब यह केसेस बढ़ते हुए 2 लाख केसेस प्रतिदिन के हिसाब से आने लगे और 22 अप्रैल से यह वृद्धि होते होते 3 लाख के करीब हमारे केसेस प्रतिदिन हम नोट कर रहे हैं। और आज हम 30 अप्रैल के करीब हैं तो हम देखते हैं कि 386,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस पूरी वृद्धि को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा सर्ज हुआ कहाँ से रिपोर्ट हुआ, तो हम देखते हैं कि 4 से 17 फरवरी के इस 14 दिन में हमारे देश में अगर जितने केसेस रिपोर्ट हुए थे उसमें केरला से 46% केसेस, महाराष्ट्र से 25% केसेस और तमिलनाडु से 4.2% केसेस रिपोर्ट हुए और बाकी देश के अन्य प्रांतों और अन्य स्टेट से करीब 24.2% केसेस रिपोर्ट हुए। यह स्थिति अगर हम अगले फोर्टनाइट में एनालाइज करें, अगले 14 दिनों के पीरियड में एनालाइज करें तो पाते हैं कि अत्यधिक केसेस हमारे पंजाब से आने लगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते केसेस जो करीब हम देखें कि 4 से 17 मार्च के उस अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से 59.5% केसेस देश के आते थे, केरला से करीब 10%, पंजाब से 5.8%, तो करीब 75% केसेस देश के मार्च माह तक हमारे इन 3 स्टेट से अत्यधिक नोटिस किए गए। इसी ट्रेंड को फर्दर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि महाराष्ट्र से कंटिन्यूड बेसिस पर हमारे केसेस इसी तरीके से सबसे अधिक नंबर में पाए जा रहे हैं। साथ ही पंजाब से जो केसेस हमारे, जो पंजाब अगर हम देखें कि तीसरे स्थान पर था तो वह बढ़ते बढ़ते दूसरे स्थान पर पहुंचा और इसी तरह से फर्दर कर्नाटका, जहां से 4.3% केसेस हमारे 18 से 31 मार्च के समय में नोट किए गए, साथ ही छत्तीसगढ़ जहाँ पर 7.4% केसेज नोट किए गए। और इस तरह से देखें कि अब हम अगर पिछले 14 दिन की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन तीन स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से, और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन नोटेड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि डेथ में जहां सितंबर माह में हमारी 1,290 डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होती थी, वह कम होते होते करीब मार्च तक आते आते 77 डेथ प्रतिदिन के हम उस अनुपात तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद फिर से करीब अप्रैल माह में एक स्टीप राइज इन डेथ नोट किया गया और आज देश में 3,498 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1,000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना, वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। इसके संदर्भ में अगर हम इस ट्रेंड को भी एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पहले तीन जो अगर हम देखें 14 दिन की अवधि में देखें तो उसमें करीब हमारे 60% डेथ देश की महाराष्ट्र, केरला और पंजाब से रिपोर्ट होती थी। और साथ में इस तरह से बढ़ते हुए हम देखें कि 4 मार्च से 17 मार्च वाली अवधि में पंजाब जो दूसरे स्थान पर था वह बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो यानी कि देश की करीब 75% डेथ
महाराष्ट्र, पंजाब और केरला से अगर 4 से 17 मार्च की अवधि में नोट की गई और करीब 27% डेथ पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से नोट की गई। यह ट्रेंड बढ़ते बढ़ते हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में 18 से 31 मार्च की अवधि में ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होने लगी। वह थर्ड पोजीशन से बढ़ते बढ़ते सेकंड पोजीशन तक हमने देखा उसको कि वहाँ पर और अधिक डेथ रिपोर्ट हुई हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से हमारी करीब 50% डेथ देश की रिपोर्ट होती हैं और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बाकी डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट्स है जहाँ पर कि अत्यधिक केसेस पहले जो वहाँ पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहाँ पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि, हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहाँ पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहाँ पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि भी आई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि किन स्टेट्स में हमें किन स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करते हुए डेस्क के विषय में और उनके साथ काम करना है, तो हम पाते हैं कि जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात से स्लाइटली हायर डेस्क स्टार्टेड गेटिंग रिपोर्टेड विद इन 1 month पीरियड, 4 weeks पीरियड, इसी तरीके से दिल्ली में अब देश में दूसरे नंबर पर डेस्क रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर कि थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके चलते हुए हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन स्टेट्स के साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारा कंटिन्यूड फोकस बना हुआ है। इस विषय में जब हम बात करते हैं तो एक विषय मैं आप सब लोगों की दृष्टि में रखना चाहूँगा, वह यह है कि जिस तरह से हमारे देश में ट्रेंड पाया गया कि करीब सेप्टेम्बर तक हमारे यहाँ जो एक पीक आई, उसके बाद से अप्रैल माह से फिर से हमने एक पीक देखी, यह ट्रेंड दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेकंड वेव के रूप में पाया गया, यहाँ तक कि कुछ देशों में थर्ड वेव के रूप में भी इस टाइप की वेव्स आती रही हैं। और इन सभी वेव्स को जब दूसरे देशों में भी इस टाइप का ट्रेंड नोट किया गया, तब हमेशा फोकस रहा है कंटेनमेंट पर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर और साथ में एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर। आज की इस स्थिति में एक जो चैलेंज हम सब लोगों के सामने उभर कर आता है, जिसको कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट्स के साथ डिस्कस कर काम कर रहे हैं, वह यह है कि कई स्टेट्स में हमने देखा कि जो सितंबर माह में जितने केसेस ऑन ए डेली बेसिस आ रहे थे, उसमें काफ़ी वृद्धि डेली बेसिस पर आने वाले केसेस में हुई है, जिसके कारण वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह स्ट्रेस में आता है और जिसके लिए हमें स्टेट के साथ मिलकर उस पर काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 24,886 केसेस अगर एक पीक हमने महाराष्ट्र में नोट की, आज करीब 68,000 के करीब केसेस अगर वहाँ से आते हैं, तो करीब 2.x टाइम ऑफ पीक, यानी कि उतना ही वहाँ के हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ, ये हमारे सामने दिखता है। इसी तरीके से यूपी में हम देखें तो 5.4x, यानी कि उस लेवल की पीक है, तो जिसके लिए ज़रूरत है कि हम यूपी स्टेट के साथ सामंजस्य करते हुए, डिस्कस करते हुए वहाँ पर केस मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 4.5x की एक पीक नोट की गई। राजस्थान हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर भी करीब 5 गुना केसेस जो पिछली पीक से आए थे उसके करीब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ नोट किए गए। तो इसी तरीके से एक और जो ट्रेंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो स्टेट से हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक स्थाई पर पीक आना एक बात है, लेकिन क्या वह केसेस कम होते दिख रहे हैं या वह पीक जो आ रही है वो कंटिन्यूड बेसिस पर एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखाती है, जिसका एक असर हम लोगों के सामने ये आता है कि हम उन स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाएं, जिसमें कि मैं मुख्यतः आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे कर्नाटका में अगर पीक भी बढ़ी, साथ में केस का ग्रोथ रेट 7.5% है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में
पीक भी बढ़ी लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 5.2% के करीब है। गोवा में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 10.9% है। इसी तरह उड़ीसा में पीक में हम वृद्धि पाते हैं और पीक के साथ साथ ग्रोथ रेट में भी 8.1% की वृद्धि पाते हैं, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करें, दूसरा उसके साथ ही यह केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को समझते हुए इस पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स पर हमारा दबाव उसी तरीके से, हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से चलते रहें। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डे वन से ही एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड ये रहा है कि हम केसेस की ट्रेजेक्टरी को नोट करें, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करें और मिलकर उनके साथ कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम केसेस को मैनेज कर सकें। हम लोगों के इस एफर्ट्स के पार्ट में ही इवन जबकि हमने सितंबर लास्ट ईयर में देखा कि केसेस में डिक्लाइन आ रहा है, तब भी हम लोग स्टेट के साथ उसी तरीके से जुड़े रहे। एक एफर्ट आप लोग इस सबकी दृष्टि में है कि देश में वैक्सीनेशन जनवरी से लॉन्च किया गया ताकि उसके थ्रू भी हमारे कंटेनमेंट के और ब्रेक ऑफ चेन के उसके एफर्ट्स में हमें एक सपोर्ट मिले। साथ ही हमने उस स्टेट से कंटिन्यूसली डिस्कस किया कि चाहे केसेस कम होते दिख रहे हैं लेकिन हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, हमारा कंटिन्यूड फोकस बना रहे कंटेनमेंट मेजर्स पर, सर्वेलेंस पर, हम समय के साथ साथ अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते रहें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स उस पर हम काम करते रहें, और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि एक रूट कॉज के रूप में हम जिस तरह से हम केसेस की वृद्धि को रोक सकते हैं उस पर हमारा एडहेरेंस के लिए काम चलता रहे। हमने हर स्टेट को यह भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करते रहें और उसके बेसिस पर अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स को प्लान करें और उसी स्थाई से अपनी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाते रहें। एक मुख्य अंश, एक मुख्य एफर्ट जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट में हम लोगों ने किया था वह था कि इवन जिन स्टेट्स में हमने केसेस की ट्रेजेक्टरी में हाई ग्रोथ रेट नोट किया वहाँ पर 75 हाई लेवल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस इंक्लूडिंग सीनियर प्रोफेशनल्स जैसे कि डायरेक्टर एम्स, मेंबर नीति आयोग, डायरेक्टर NCDC, ऐसे सीनियर अधिकारी भी वह स्टेट के स्थाई पर गए, वह जिलों में रहे, उन जिलों में जहाँ पर ट्रेजेक्ट्री में एक सर्ज नोट किया गया ताकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिव रोल वो प्रोवाइड कर सकें ताकि उसके थ्रू हम किन चीज़ों पर फोकस करें जिससे कि हमारे केसेस की गति कम हो सके, वह प्रयत्न भी किए गए हैं। हमने स्टेट्स को एक डिटेल्ड टूल किट भी प्रोवाइड की कि आप कोविड मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको क्या क्या कार्य करने हैं, और उसके साथ ही एक डिटेल्ड टेम्पलेट भी हमने डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें कोविड को मैनेज करना है तो कौन कौन से हमारे फोकस एरियाज होने चाहिए, इन फोकस एरिया में पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में किन किन चीज़ों पर हमें क्या काम करना चाहिए, एक टेम्पलेट बनाकर साथ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हमने उस टेम्पलेट को उनके साथ डिस्कस भी किया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इसके बेसिस पर आप काम करें। जैसे कि आप देखें चाहे वह महाराष्ट्र के ज़िले हों, गुजरात के हों, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, UP एंड छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में हमने स्टेट्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट के साथ एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन भी किया और उनसे कहा कि आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो जो कार्य करने हैं इस टेम्पलेट के तहत भी करेंगे तो शायद हम अपने एफर्ट्स में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स को एक दिशा निर्देश जारी किए गए जहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जहाँ जहाँ पर हायर केसेज आ रहे हैं, जहाँ पर क्लस्टर ऑफ केसेज रिपोर्ट हो रहा है, वहाँ जरूरत है एक इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट एफर्ट्स की, क्योंकि हम हमेशा बात करते आए हैं कि जो इसका बीमारी का जो होस्ट है वह ह्यूमन बीइंग है, अगर हमने उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो टू दैट एक्सटेंट हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। इसके साथ ही हमने स्टेट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि जितने भी पेशेंट, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले भी यह विषय मीडिया द्वारा पूछा गया था कि कई हॉस्पिटल्स में सस्पेक्ट केसेस को वह एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो हमने रिट्रेट किया कि हमारी क्लिनिकल मैनेजमेंट की जो टेक्निकल सपोर्ट गाइडलाइंस जो कि स्टेट्स को हमने इससे पहले भी पिछले साल भी प्रोवाइड की थी उसके तहत कोविड सस्पेक्ट वार्ड भी बनाने चाहिए जहां पर कि अगर कोई पेशेंट जिसका टेस्ट रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया है या डिलेड है बट वो क्लिनिकल सिम्टम से कोविड एग्जिबिट करता है तो आप उसको कोविड सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें।
आज जरूरी है कि जब पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के अटेंडेंट एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर उनको उनके पेशेंट की स्थिति के बारे में बताया जाए, ताकि एक भय का वातावरण जो कुछ स्थानों पर हमने देखा क्रिएट हुआ उसको कम किया जा सके। इसके लिए हमने स्टेट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर अटेंडेंट के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई जाए बैठने के लिए। वहाँ पर उनको ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर एक टेलीफोन लाइन हो जो कि नर्सिंग स्टेशन से कनेक्टेड हो, और कोशिश की जाए कि एक एफर्ट इंश्योर किया जाए कि एक सीनियर डॉक्टर दिन के एक नियमित समय पर वहाँ पर आकर उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उनकी स्थिति के बारे में अपने अटेंडेंट्स को वो बताएं, और ज़रूरत हो सके फिजिबल जितना हो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन वह यह भी इंश्योर करें कि जितने भी अटेंडेंट हैं जो वहाँ हॉस्पिटल में आए वो अपने पेशेंट से बात भी कर सकें आइदर थ्रू ए ऑडियो कॉल और थ्रू ए वीडियो कॉल। साथ ही एक मेजर इशू हम लोगों के सामने रहा है कि हमने इनिशियल स्टेजेस ऑफ पेंडेमिक में ही यह पाया था कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स एक मेजर क्लिनिकल इंटरवेंशन है, और उसके साथ ही पिछले साल ही हम लोगों ने करीब 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर नेशनल लेवल पर प्रोक्योर कर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पिछले साल ही, इससे पहले जबकि हमने गैशियस मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को कैप किया था, उन्होंने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइसेस को भी कैप किया। साथ ही हमने यह इंश्योर करने के लिए कि खासकर कि जो और प्रांत है जहां पर फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम PSA प्लांट लगाएं जिससे कि लोकल ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके, उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जो ये प्लांट PSA प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सीटु जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। साथ ही हम स्टेट से ऑन ए रेगुलर बेसिस नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ DPIIT और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग MHA के साथ मिलकर हम अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन पर प्लान कर रहे हैं। अभी देखें तो 8,593 मेट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है, और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले एक दो दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं, और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर हैं वह सप्लाई किए जाएंगे। साथ ही इससे पहले जो हमने 162 ऑक्सीजन प्लांट PSA टेक्नोलॉजी के जो बताए थे, उनके अलावा DRDO की जो इंडिजिनस बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है उसके तहत 500 नए एडिशनल PSA प्लांट सैंक्शन किए जा चुके हैं जिनका कार्य भी शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही 551 PSA प्लांट्स हम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिफरेंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर्टिकुलरली जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्थाई पर हैं वहाँ पर भी इन प्लांट्स को सैंक्शन करके उनका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस समय की स्थिति को देखते हुए हर तरह के एफर्ट्स करना एक बहुत आवश्यक कार्य है, उसके तहत ही ऑक्सीजन का इम्पोर्ट भी शुरू किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के प्लांट का ऑक्सीजन का ऑर्डर हमने सिंगापुर को प्लेस किया है, 1800 मेट्रिक टन का हमने आबू धाबी को प्लेस किया है, और 1500 मेट्रिक टन अल्ट्रा प्योर गैसेस जो कि दूसरे देशों से इम्पोर्ट करके हमें प्रोवाइड कराएगी उनको प्लेस भी किया गया है। एक अति आवश्यक कार्य ये भी था कि जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को देश में सुनिश्चित करें उसके साथ ही हम ऑक्सीजन टैंकर्स की संख्या को भी बढ़ाएं। आज जब हमारे देश में एग्जिस्टिंग 1,224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं जिनकी कैरिंग कैपेसिटी 16,732 मेट्रिक टन है, हम उसको बढ़ाकर 2,000 तक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 50% जो हमारे नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं करीब 600 टैंकर उनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही 138 क्रायोजेनिक टैंकर जो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होंगे उनको भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने मेरे कुलीग बताएंगे कि हमने कैसे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को प्रोहिबिट किया है, जिसके थ्रू हमारे को करीब 1,000 मेट्रिक टन एडिशनल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देश में सुनिश्चित की जाएगी। होम अफेयर्स की तरफ से रेस्ट्रिक्शन ना हो उसके और आदेश भी दिए गए हैं। रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा
कैसे हम अपने मूवमेंट को और सुचारू रूप से चला सकें उस पर भी कार्य किया जा रहा है। एक अति आवश्यक जो सूचना जो हमने स्टेट को रिक्वेस्ट की है वह यह की है कि जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन है, सिंस इट इज़ ए क्रिटिकल कॉमोडिटी, इसके लिए ज़रूरी है कि उस ऑक्सीजन का रैशनल यूज़ किया जाए। जैसे कि छोटे छोटे विषय, जैसे कि एक तो जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा ऑक्सीजन ना दी जाए, जब ज़रूरत ना हो तो वॉल को क्लोज किया जाए। इसी तरीके से जैसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने पाया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर एज पार्ट ऑफ होम आइसोलेशन केयर पैकेज के रूप में उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं, ऐसे कार्य करके जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ क्लिनिकल मैनेजमेंट कहता है वहाँ ही ऑक्सीजन जाए, जहाँ बाकी जगह ना दी जाए, उसके लिए भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। इसी के साथ ही हमने कल भी डिटेल्ड गाइडलाइन स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्कस करके जारी की हैं। हमने स्टेट से कहा है कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑडिट हो, अति आवश्यक जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर ऑक्सीजन का और नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, वह रिक्वेस्ट हमने स्टेट से की है। एक और विषय हम साथ में बताना चाहेंगे कि जब एक स्थाई पर हम इन विषयों पर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यूड एफर्ट 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तरफ भी चल रहा है। उसमें आप देखें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर को हमने अपने फेज़ वन और फेज़ टू में लिया और अब हम उसमें फेज़ टू के तहत जो हमारे देश के नागरिक 45 साल से अधिक उम्र के हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 45 साल से अबव लोगों को 11.75 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर को 1.56 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1.91 करोड़ डोजेज दी जा चुके हैं। तो अगर हम देखें तो अब तक पूरे देश में 15 करोड़ से अधिक डोजेस फ्री में पूरे देश के नागरिकों को, जिनको कि हमने एक प्रायोरिटी ग्रुप के रूप में माना है, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी मंशा, इसके पीछे भी एक गाइडलाइन यही है कि जैसे कि पूरी दुनिया में किया गया है, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, बिकॉज अगेन वैक्सीन विल बी अगेन ए लिमिटेड क्वांटिटी। तो प्रायोरिटी ग्रुप में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो देश के नागरिक 45 साल से अबव हैं, जिनको कि अगर इन्फेक्शन होता है तो उनके केस के सीरियस होने के चांसेस कुछ शायद ज़्यादा हैं, तो हमने उनको पहले प्रायोरिटाइज किया और अब तक करीब 15 करोड़ के करीब डोजेज देश में फ्री जनवरी से देते हुए हम लोग आ रहे हैं। इसी के साथ ही इसी के साथ ही जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, फेज थ्री में अब हम इसको, जैसे कि लोगों ने कहा, जैसे कि स्टेट्स ने भी एक रिक्वेस्ट की, उसके तहत हमने कहा कि फेज थ्री में 1 मई से ना कि हम लोग जो अब तक 45 साल से अबव लोगों को करते जो ऑक्सीजन हम वैक्सीनेशन फ्री करते हुए आ रहे हैं, इसके साथ ही अगर स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर 18 से 44 साल के लोगों को भी कवर करना चाहते हैं तो वह उसको कवर करें। एक एडिशनैलिटी के रूप में यह गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और जो कि 1 मई से इसका कार्य शुरू हो रहा है। हमारा मुख्य एफर्ट ये रहा है कि हम प्रायोरिटी ग्रुप को देश की तरफ से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि हम देश की मोर्टैलिटी को कम कर सकें। अब अगर हम देखें तो इसके तहत 50% जो देश की सप्लाईज हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंटिन्यूड फ्री वैक्सीनेशन थ्रू स्टेट एंड यूटीज चलेंगी, जिसमें कि हमारे इससे पहले साइंटिफिक दृष्टि से आइडेंटिफाई किए हुए प्रायोरिटी एज ग्रुप्स कवर किए जाएंगे, प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट वह अपनी कवरेज और पॉपुलेशन और प्राइस को डिटरमिन करते हुए एक एडिशनैलिटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे इस प्रयत्न में वह भी एक भागीदारी के रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, प्राइवेट संस्थान भी, अगर वह 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करना चाहें तो वह भी एक ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड किया गया है। हमारा मुख्यतः एफर्ट यही है कि कैसे हम सब लोगों को मिलाते हुए आगे से आगे एफर्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकें। इसमें आज एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में आपके द्वारा अपने देश के हर नागरिक को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब हम कोविड से डील कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें, मैनेज करें, बिना भय के मैनेज करें। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पिछले साल इस देश ने कोविड को मैनेज किया था, जब फर्स्ट पीक में हमारे क्या इंटरवेंशन थे जिसने हमें सपोर्ट किया,
वह इंटरवेंशन थे सोशल वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी, वह इंटरवेंशन था यूज़ ऑफ मास्क ताकि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन साथ में ध्यान रखें, तीसरा इंटरवेंशन था कि अपने हैंड हाइजीन, अपने हाथ को धोएं सैनिटाइजर से या साबुन से ताकि हम इन्फेक्शन का फैलना रोक सकें। इसके साथ ही एक हमारा और मेजर एफर्ट उस समय पर था कि हम अपने नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फील्ड पर ढंग से इम्प्लीमेंट करें, हर हॉस्पिटल को स्टेट के साथ मिलकर ओरिएंट करें ताकि क्लिनिकल मैनेजमेंट जो भी केस पॉजिटिव आए हम उनको ढंग से मैनेज कर सकें। इस हमारे पूरे एफर्ट में अगर आप देखें आज एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन भी हमारे साथ है। तो आज जरूरी है कि हमारे पुराने जो हमारे लर्निंग्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यह भी मानते चलें, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे वैक्सीन आ गई है लेकिन दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि अगर हमारे पास वैक्सीन एक इंटरवेंशन के रूप में अवेलेबल है तो भी हमारे जो बेसिक पैरामीटर, जो बेसिक हमारे अप्रोचेज हैं, 2 गज की दूरी, यूज़ ऑफ फेस मास्क, हैंड हाइजीन, इस पर से हमारा बिल्कुल ध्यान ना हटे। यह हमारा रूट कॉज है। अगर हमारे केसेस ही बढ़ते रहे तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी एक रिक्वेस्ट की थी कि देश की पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या इतनी है कि हम चाह कर भी कोई भी नहीं उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, तो हमें सबसे पहले रूट कॉज पर काम करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जब हम रूट कॉज पर काम कर इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकें तब हम पैरेलली क्लिनिकल मैनेजमेंट पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने पर भी काम करते रहें। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश जो हम लोगों के सामने अब आता है वह आता है कि होम आइसोलेशन। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का एक सबसे मुख्य अप्रोच अगर हम देखें कि उसको हम कैसे उसको सबसे बढ़िया ढंग से मैनेज कर सकते हैं वह है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है टाइमली टेस्टिंग, ताकि अगर हम अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर पाएं तो हम केस को डिटीरियरेट होने से, केस को और कॉम्प्लिकेट होने से रोक सकते हैं। आपने सबने देखा होगा, इससे पहले भी हमारे सीनियर डॉक्टर कुलीग्स बताते आए हैं कि अराउंड 80-85% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम रहेंगे अगर उनको टाइम पे आइडेंटिफाई किया। वह सारे केसेस हम होम आइसोलेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आज जरूरी है कि जो केसेस, क्योंकि बेड्स की अब अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड ही है, तो जो बेड से रिलेटेड केसेस है वह बेड के लिए जाएं, चाहे वह ऑक्सीजन बेड हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, और बाकी जो केसेस है जो हम नॉर्म्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज कर सकें उसको हम उसी तरीके से मैनेज कर सकें। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जब हम एसिम्टोमेटिक केस कहते हैं तब इसका अर्थ क्या है। एसिम्टोमेटिक केसेस वो केसेस हुए जो कन्फर्म तो पाए गए लैब में लेकिन उनमें कोई ऐसे मेजर सिम्टम नहीं है जिसको कि जैसे हम फीवर, कफ या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस को जब हम एसिम्टोमेटिक केसेस मानते हैं इनको हम अपने घर पर ही मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह माइल्ड केसेस वह केसेस हुए जहाँ पर कि हो सकता है कुछ खांसी या ऐसा कोई सिम्टम जरूर हो, फीवर हो, लेकिन ब्रेथलेसनेस ना हो और हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पर बिना किसी सपोर्ट के हम देखें तो वह 94 से ज़्यादा हो। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इसी चीज़ को रिट्रेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कल अपनी अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर होम आइसोलेशन भी जारी की हैं। आप सबके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट विच इज़ mohfw.gov.in उस पर इन गाइडलाइंस को, जो अवेलेबल गाइडलाइंस हैं, खासकर हमारे वह लोग जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और वह फैमिली मेम्बर जिनके घरों में पॉजिटिव लोग हैं, वह इन गाइडलाइंस को समझें और इन गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य करें। उन गाइडलाइंस के रूप में संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा। सबसे पहले होम आइसोलेशन के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो जैसे मैंने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की है कि माइल्ड या एसिम्टोमेटिक केसेस जो कि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर कहे कि उस कैटेगरी में फॉल करते हैं वही लोग होम आइसोलेशन के लिए जाएं। साथ ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन उन्हीं केसेस में किया जाए जहां घर के अंदर जो आदमी पॉजिटिव आया है उसके आइसोलेशन की व्यवस्था हो, उसके पास एक सेपरेट रूम अवेलेबल हो सके, और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, क्योंकि वो क्वारंटाइन मोड में रहेंगे, वह हाई रिस्क कैटेगरी में रहेंगे एज ए कॉन्टैक्ट, उनके लिए भी अलग से रहने की व्यवस्था हो। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो काइंडली स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करते हुए आप फैसिलिटी क्वारंटाइन या फैसिलिटी आइसोलेशन की तैयारी करें। इसके साथ ही यह जरूरी है कि घर में उस पर्टिकुलर पेशेंट को देखने के लिए केयर गिवर हो, जो उस केयर, मल्टीपल लोग उस पेशेंट को रेगुलरली ना देखें, वह केयर गिवर एक हॉस्पिटल या
हमारे पब्लिक हेल्थ के जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल है उनसे टच में रहे, हमारे कॉल सेंटर से टच में रहे, और साथ में केयर गिवर और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं घर के उन सबको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस यानी कि एक एडवांस प्रिकॉशन के रूप में जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है उसके हिसाब से ले, या जैसे कि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने सजेस्ट किया है उसके हिसाब से ले। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि एल्डरली पेशेंट्स या पेशेंट जिनको कि और कुछ और बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक लंग कीवर लीवर या किडनी डिजीजेज या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज कोई भी हों, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं जैसे कि HIV या ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट या कैंसर पर थेरेपी एट्सेट्रा, इस टाइप के केसेस में होम आइसोलेशन अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के एडवाइस पर ही लें, नहीं तो फैसिलिटी में एडमिशन का जहां पर कि हमें नॉन ऑक्सीजन बेड से भी मैनेज हो सकता है वहां की प्लानिंग करें। साथ ही पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पेशेंट्स जहां तक हो सके अपने आप को आइसोलेट करके एक वेल वेंटिलेटेड रूम में अलग से रहे। पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहने, यह बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कई जगह पर हमारे ही मीडिया में न्यूज़ आती है कि अब घर घर में फैल रहा है करके एक भय का वातावरण क्रिएट हो रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है घर घर में इसलिए फैल रहा है क्योंकि हम जो उसकी रिक्वायर्ड प्रिकॉशन है वह नहीं लेंगे तो इन्फेक्शस डिजीज डेफिनेटली फैलेगी। साथ ही ज़रूरी है कि पेशेंट अपने मास्क को 8 घंटे तक इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर दे, नया मास्क का इस्तेमाल करे। केयर गिवर अगर फिजिबल है या तो वह ट्रिपल लेयर मास्क यूज करे, लेकिन अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है तो जब केयर गिवर रूम के अंदर जाए और पेशेंट से इंटरेक्ट करे तब वह N95 मास्क का इस्तेमाल भी कर सकता है। पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो बहुत रेस्ट ले, प्रॉपर उसका हाइड्रेशन बना रहे, रेस्पिरेटरी एट्रिकेट्स पे काम करे, हैंड हाइजीन पर ध्यान रखे, अपने हाथ को समय समय पर धोते रहें। साथ ही जरूरी है कि वह अपने कोई भी पर्सनल आइटम घर के किसी भी मेंबर से शेयर ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। जरूरी है कि जो उस कमरे की या घर की जो रेगुलरली टच सर्फेसेज जैसे डोर नॉब हो गया, जैसे टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, उनको प्रॉपरली क्लीन करते रहें, उनको सैनिटाइज करते रहें। साथ में जरूरी है कि पेशेंट अपने टेम्परेचर को मॉनिटर करें, कहीं पर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हो तो अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी मॉनिटर करें, और जब भी उन्हें लगे कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, जिसमें कि मेरे कुलीग डॉक्टर साहब और डिटेल में हमें गाइड करेंगे, तब वह उस केस में मेडिकल जो हेल्प है उसके लिए प्लान करें। इसीलिए ज़रूरी है कि एक स्थाई पर जब पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उतना ही ज़रूरी है कि केयर गिवर भी अपना ध्यान रखे। केयर गिवर को हर समय ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क यूज़ करना चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स जब भी वह पेशेंट से संबंधित किसी चीज़ को हैंडल करता है, अपने मास्क को प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, अपने हाथ को रेगुलर बेसिस पर सैनिटाइज करना चाहिए। जब भी वह बीमार आदमी के संपर्क में आता है, चाहे उसके खाने से संबंधित समय पे या अदरवाइज, तब वह अपने हाथों को साफ करें सोप से या पानी से, और पेशेंट के बॉडी फ्लूइड पर्टिकुलरली जैसे कि ओरल फ्लूइड हुए या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हुए जैसे कि हम बोलना खांसना, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। ज़रूरत है तो डिस्पोजेबल ग्लव यूज़ करें जब वो पेशेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हैंडल कर रहा है। कोई भी कंटेमिनेटेड आइटम जो पोटेंशियली कंटेमिनेटेड आइटम हो सकते हैं जैसे कि खाने के बर्तन, गिलास, टॉवल एट्सेट्रा, उनसे एक्सपोजर अवॉइड करें, और अगर बर्तन या कोई भी चीज़ धोनी है तो वह सोप और पानी से ग्लव्स पहन के धोए जाएं। साथ ही जितना भी हमारे ग्लव्स हैं या और भी जो संबंधित आइटम्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, वह स्वयं एक कारण न बने इन्फेक्शन के फैलने का। इससे संबंधित अब जो जरूरी है वह जरूरी है कि जब वह घर पर रहे तो किस टाइप से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, मैं अपने सीनियर कुली डायरेक्टर इन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह गाइड करें। थैंक यू, नमस्कार। तो इसी कड़ी को आगे लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये तय कर लें कि ये जो पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, इसके पास यहाँ इनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं और ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है जिसके लिए उनको एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो जो वो दवाई अपनी कोमॉर्बिडिटी के लिए ले रहे हैं वो उनको रेगुलरली लेनी चाहिए, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाई हो, चाहे हाइपरटेंशन की दवाई हो, या और कोई दवाई जैसे कोलेस्ट्रॉल या और किसी की दवाई ले रहे हों। जो हम आम सिम्टम देखते हैं कोविड में, वो बुखार है, जुखाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी, उसकी जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करना ज़रूरी है। चाहे बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ले लो, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, जुखाम के लिए
और खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। साथ में नमक के गरारे और स्टीम जो है भाप जो है वो ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा, इससे भी कई मरीजों को आराम मिलता है। अगर आपका बुखार जो है वो पैरासीटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है, उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए। क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पैरासीटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 101 102 पे है, तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो एक दवाई है वो रोज एक गोली ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। इस दवाई की रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन डिस्कशन जो नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग में हुआ था, जिन्होंने सारा डेटा एवेल्यूएट करके ये पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, और इसलिए ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ भी आई हैं, दो स्टडीज़ आई हैं, अच्छी ट्रायल्स आई हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर हम इनहेलर एक यूज़ करें जिसमें एक दवाई ब्यूटोसोनाइड जो है वो लें, तो उससे भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। और ये इसका डोज 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 दफ़ा है, और ये 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी ले सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बुखार या खांसी जो है 5 दिन से ज़्यादा हो गए और वो ठीक नहीं हो रही। तो ये जो दवाई है ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, ये फेफड़े में जाके आराम देते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा है कि ये इफ़ेक्टिव है। सिस्टमिक ओरल स्टेरॉइड्स हैं, वो हम यूजली कहते हैं कि आप माइल्ड डिजीज़ में अवॉइड करें, और इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। यहाँ तक तो मैं ये कहूँगा कि इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अगर हम सिस्टमिक स्टीरोइड जो हम कहते हैं, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो तभी लेना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और नॉर्मली जब 7 दिन से ज़्यादा हो गए हों और बुखार हो रहा है या सैचुरेशन आपकी कम हो रही है, तब सिस्टमिक स्टीरोइड जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके ही शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी शुरू करने में ज़्यादा नुकसान है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए, उस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है, इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम कहते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो तो क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि आपको एकदम मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि खुल के सांस नहीं ले पा रहे, इसको आप अपने सैचुरेशन के साथ भी लिंक करके देखें। कई दफ़े ऐसे होता है कि लोग घबराहट के कारण उनको लगता है कि मैं घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सैचुरेशन 97-98 होती है, तो कंबाइन करके वो देख लें। लेकिन अगर सांस नहीं ले पा रहे हो खुल के, बेटर रहेगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रही है तो भी मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर छाती में एकदम दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर केयर गिवर ये देखते हैं कि पेशेंट जो है सुस्त ज़्यादा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चों में भी हम ये देखते हैं, तो फिर आपको एकदम मेडिकल एडवाइस और मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। तो ये वार्निंग साइंस हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए जब हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और जो केयर गिवर को भी ध्यान रखना चाहिए। होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, और इसको हम कहते हैं व्हेन विल द पेशेंट स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड एंड होम आइसोलेशन, कब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट 10 डेज हो जाने चाहिए, जिससे आप पहले सिम्टम से और फ्रॉम डेट ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। तो यानी कि अगर आप आज टेस्ट पॉजिटिव हुए, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई लक्षण है
तो एटलीस्ट 3 दिन ऐसे होने चाहिए इन 10 दिन में, लास्ट 3 डेज, जब आपको कोई फीवर नहीं हुआ और कोई और सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको 6ठे या 7वें दिन के बाद बुखार नहीं हुआ और 10 दिन हो जाते हैं, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाइडलाइन इसलिए कि डाली गई हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर, क्योंकि ये देखा गया कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो एसिम्टोमेटिक हैं, 7वें 8वें दिन के बाद जो वायरस है वो एकदम डेड हो जाता है और उसके चांस ऑफ इन्फेक्शियसनेस इज़ नॉट देयर, यानी कि वो व्यक्ति और किसी को अब इन्फेक्शन नहीं दे सकता। वायरस कभी कभी RT-PCR में 2-3 हफ्ते तक भी रह सकता है, लेकिन वो डेड वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स हैं जो टेस्ट में पिकअप होते हैं, इसलिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन हो गए हैं एसिम्प्टोमेटिक हो, या 10 दिन हो गए और इससे पिछले 3 दिन में आपको बुखार नहीं हुआ है, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते थे कि अगर 80-85% लोग हमारे एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड हैं, जो कि अगर वो टाइमली टेस्टिंग कर लेते तो पा सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन गाइडलाइंस को समझें और इन गाइडलाइंस के पीछे जो स्पिरिट है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। इसके साथ ही एक विषय हम हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम रूट कॉज पर काम करें। रूट कॉज यानी कि हम केसेस के इन्फेक्शन को फैलने से ही रोकें, इन्फेक्शन को कैसे कंटेन करें। आज जब हम कोरोना से करीब 1 साल 3 महीने से अधिक हो चुके हैं हम डील कर रहे हैं, तो हम जो समझते हैं, जो पाते हैं, वो देखते हैं कि 3 टाइप की रिएक्शन फील्ड में पाई जा रही हैं। एक रिएक्शन है मिसप्लेस ब्रेवरी, कोरोना कुछ नहीं है, ये तो स्कैम है, बहुत हो गया कोरोना, मुझे कोई मास्क नहीं चाहिए, और कोरोना का रोना बहुत हो चुका है, अब हमें पार्टी करनी है, देयर इज लाइफ बियॉन्ड कोरोना ऑल्सो। एक इस टाइप का एक फीलिंग हमने अपने कुछ नागरिकों में, कुछ दोस्तों में पाते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे स्थाई की फीलिंग है जो हमने देखी है, वह आ गई है कि मैं एक कोरोना पॉजिटिव से टच में आया था, बहुत कम समय था, लेकिन मैं डेफिनेटली इन्फेक्ट हो गया हूँ और अब मैं मर जाऊँगा, मुझे डेफिनेटली रेमडेसिविर चाहिए, कहीं से भी मिले घर में रख लेता हूँ ताकि कभी मुझे इन्फेक्शन हो तो मैं बच सकूँ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे घर में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। तीसरे स्थाई पर जो कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिसके कारण ही आज तक हम लोग इस देश में कोरोना को मैनेज करते आए हैं, वह यह है कि हम इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क का यूज इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं, 2 गज की दूरी रखें, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको समझें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें, भय में ना रहें, और अपने कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। हम आप लोगों के द्वारा अपने देश के सभी नागरिकों, सभी मित्रों से एक विनती करना चाहते हैं, प्लीज़ समझें कि अगर हम थक गए हैं तो वायरस नहीं थका है। तो ज़रूरी है कि हम कोविड से रिलेटेड जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसकी एक एसोसिएटेड एग्नी या एक मैनेजमेंट है, हम उसको भय से और पैनिक में आके उसे एग्रेवेट ना करें, उससे पेशेंट को भी नुकसान होता है, उसकी फैमिली को भी नुकसान होता है। हम एक अवेयर तरीके से अगर करेंगे तो शायद हम उसको और अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। इससे ही लिंक टिश्यू है कि जैसे पिछली बार भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, कई लोग हॉस्पिटल एडमिशन इस बात को कह के ले लेते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करें तो लगता है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, जैसा कि मीडिया के मित्रों द्वारा ही कई विषयों में पाया गया है, कई विषयों में हाईलाइट भी किया है इस विषय में। तो हम ये कहें कि अवेयर रहें, अलर्ट रहें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ में हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं कि अगर 70-80% देश की जनता भी अवेयर और अलर्ट रह के काम करे, 5-10 या 1% लोग भी काम ना करें, तो यह सोसाइटी में सबको इम्पैक्ट करता है, इन्फेक्शन रनअवे इन्फेक्शन के रूप में फैलता है। हमें ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जब देश में कोरोना शुरू में 30 जनवरी 2020 में आया था, तब एक सिंगल केस ऑफ इन्फेक्शन से आज वह करोड़ों में कन्वर्ट हुआ है। वायरस फटीग की दृष्टि में नहीं है, हम जरूर कभी हद तक मानते कि शायद हम थक गए हैं। हमें आप सबके द्वारा विनती है कि चाहे वो लोग जो भय में हैं, वो लोग हैं
जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, हमें उन सब के भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें उन सब की भी गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, कलेक्टिवली मिलके जो ये चैलेंज हमारे सामने, जो सेकंड वेव हमारे सामने है, हमें उसको किसी भी तरीके से मैनेज करके अपने जितने भी देश के नागरिक हैं, जो भी एक घर में जिसमें डेथ होती है वह पूरे समाज को इफेक्ट करती है, उसको समझते हुए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। और ज़रूरी है कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। धन्यवाद। पीयूष गोयल जी। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार अभी बात की थी कि इस देश में जो कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन भी बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई सारे कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हमने पिछली बार थोड़ी चर्चा की थी, और पुनः मैं उन विषयों पर आपसे थोड़ी चर्चा करके आपको और जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम उत्पादन क्षमता की बात करें, तो इस देश में जो मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन होता था वो पिछले साल अगस्त में करीब 6000 मेडिकल टन था। अब अथक प्रयासों से, जिसमें सभी के प्रयास शामिल हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के साथी हों, चाहे और हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हों, उन सब के अथक प्रयासों से जो हमारे देश में डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 125%, लगभग 9000 टन हम लोग अब आजकल डेली उत्पादन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, सेल जो होती है, वो उसमें भी निरंतर वृद्धि होते होते अब वो 7500 टन प्रतिदिन है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश के पास अभी वर्तमान में लिक्विड ऑक्सीजन के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, और आने वाले समय में अगर यही वृद्धि अभी देखते हुए केसेस की, भगवान की कृपा से हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये स्थिति में सुधार हो जाए, हम सबके मिले जुले प्रयासों से स्थिति शीघ्र नियंत्रण में आ जाए, किंतु तब भी किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने का भी कार्रवाई की है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी हमें इस मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब मैं बात करूंगा कि इसमें हमने सरकार को, जैसे हम पिछली बार बताया था कि कई प्रयास किए जा रहे हैं इसकी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, पर पिछली बार में मैंने उन विषय प्रयासों के बारे में चर्चा नहीं की थी, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को और अधिक बढ़ाएं। एक तो नए ऑक्सीजन के प्लांट शुरू किए गए हैं, और जो पुराने हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनकी भी जो डेली प्रोडक्शन था उसको अथक प्रयास से बढ़ाया जा रहा है, और इसमें सभी के सहयोग से काफ़ी अच्छा हमको परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी ये परमिशन दी गई है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकें। स्टील प्लांट्स में जो प्रोडक्शन था उसमें एक उनके प्रोडक्शन की एक बाई प्रोडक्ट होती है लिक्विड ऑक्सीजन, तो उन्होंने उसको भी अपना बहुत प्रयास करके काफ़ी बढ़ाया है, और पिछले कई महीनों में इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा एक कोविड हॉस्पिटल्स, एक अलग तरह के जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, जिसको में गैसियस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः हम लोग जब बात करते हैं तो हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं, और यहाँ पर ये एक प्रयोग हो रहा है, चूँकि ये जो यूनिट थे इंडस्ट्रियल, चूँकि ये ज़्यादातर गैसियस ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका उपयोग करने के लिए उन्हीं प्लांट्स के पास में ये जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता में अधिकाधिक वृद्धि की जा सके। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन का जो अन्य उत्पादक जो कर सकते थे, जिनको अभी पहले नहीं कर रहे थे, पर वर्तमान में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको मेडिकल ऑक्सीजन में उपयोग ला सकते थे, तो उन सबको भी सहयोग करके उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना योगदान दें। साथ ही साथ सरकार ने जो ऑक्सीजन का इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता था उसको रिस्ट्रिक्ट किया है,
उसमें खाली जो मेडिकल से संबंधित हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हुई, चाहे वेल्स हुई या ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने के लिए जो उपयोग आती हैं, इनको छोड़ के तथा डिफेंस फोर्सेस को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग मना कर दिया गया है। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स के बारे में मेरे साथी ने भी आपको विस्तार में बताया ही था, और जैसा मैंने अभी चर्चा करी कि मेडिकल ऑक्सीजन का इम्पोर्ट किया जा रहा है। अब प्रोडक्शन के बाद फिर अगली बात आती है कि चूंकि संसाधन हमें अपने संसाधनों का जुडिशियस उपयोग करना चाहिए, तो इसलिए भारत सरकार ने सभी सरकार राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करके तथा मैन्युफैक्चरर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके और स्वास्थ्य विभाग के जो नॉर्म्स हैं इस बारे में उनको ध्यान में रखते हुए किस जगह की कितनी आवश्यकता है इसका एक मूल्यांकन करके एक एलोकेशन प्लान वर्कआउट किया है जो कि डायनामिक इन नेचर है। ये निरंतर रिव्यू किया जाता है। इसमें दो तरह से होता है, एक तो जो एलोकेशन कोटा है इसको लगभग प्रतिदिन बेसिस पे रिव्यू करके जहां आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना होता है किया जाता है, और साथ ही साथ मान लीजिए किसी राज्य को अचानक किसी भी कारण से, चाहे वो कोविड केसेस में सर्ज हुआ हो या उसकी कोई नॉर्मल सप्लाई बाधित हो गई हो, तो उस वजह से अगर उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी दिन में, तो उसमें इमिजिएटली हम लोग प्रयास करके उसको वो सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके बाद बात आती है ऑक्सीजन मूवमेंट की। जो आपने प्रोडक्शन कर लिया पर अब आप उसको अगर आपको हॉस्पिटल्स तक लेके जाना है, तो इसमें हमारा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रोडक्शन जो है वो हमारे पूर्व भारत में ज़्यादा होता है और डिमांड जो है पश्चिम तथा मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक सोर्स से डेस्टिनेशन की मैपिंग की, जिसमें जिससे कि एक ऑप्टिमाइज्ड मूवमेंट प्लान बनाया जा सके और ये प्रयास किया जा सके कि मूवमेंट टाइम को कैसे हम मिनिमाइज कर सकें। इसमें सभी स्टेट्स यूटी से कंसल्टेशन किया गया, मैन्युफैक्चरर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके ये तैयार की गई। अब इसके लिए जो मूवमेंट करना होता है वो आप अवगत ही हैं कि उसके तीन माध्यम हैं, सड़क के माध्यम से टैंकर्स के, या रेलवे से भी टैंकर्स के माध्यम से, या फिर एक एयरफोर्स का एक हम लोग ने प्रयोग किया जो बड़ा अच्छा, जिसके हमें परिणाम मिल रहे हैं उसके माध्यम से। पर तीनों ही माध्यम से जैसे मैंने बताया, टैंकर उसके लिए एक मुख्य आवश्यकता होती है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स के माध्यम से ही हम उसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से देश में चूंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता इन टैंकर्स की नहीं होती, तो जितने टैंकर्स उपलब्ध थे वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो कम पड़ गए थे। तो इसलिए एक युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स को हम अपना नंबर्स बढ़ा सकें, जिससे कि जो हमारा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, लॉजिस्टिक्स का वो जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों के सरकारों को ये निर्देश दिया कि जो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं उनके लगभग 50% उनका कन्वर्जन कर लें ऑक्सीजन टैंकर्स में। कुछ तो उनके आवश्यक हैं उसके जो अपने उपयोग में लाने के लिए, इसलिए सभी का नहीं किया गया, जिससे कि किसी प्रकार से भी हमारा ये जो कार्य है वो बाधित ना हो। और इसमें अथक प्रयास हो, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुत अथक प्रयास किए और उसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। साथ ही साथ भारत सरकार बाहर से टैंकर्स इम्पोर्ट कर रही है, खरीदने के रूप में भी, और उनको हायर कर रही है यूज़ के लिए। और तीसरा जो इस बारे में कदम उठाएगा कि हमारे अपने देश में भी इसका मैन्युफैक्चर तेज़ी से किया जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसका जो मूवमेंट टाइम को फर्दर कैसे रिड्यूस करें कि टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, जैसे जिस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसका एलोकेशन उसके आसपास जिस भी क्षेत्र से है, जहां से प्रोडक्शन साइट से, तो वहां से वो अपना टैंकर भेज के उसको लाता है, या जो सप्लायर्स होते हैं वो टैंकर्स अरेंज करते हैं अपने आप कि प्रोडक्शन साइट से वहां ले जा सकें। तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो तो रोड से ही कन्वीनियंट रहते हैं कि सड़क के माध्यम से सबसे जल्दी आप पहुँच सकते हैं, तो वहाँ तो वही प्रक्रिया की जाती है। पर जो ज़्यादा दूर के स्थान हैं तो वहाँ पे एक ये जो प्रयास किया जा रहा है कि एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर्स को हम पहुँचा दें प्रोडक्शन साइट पे, जिससे कि जो 3 से 4 दिन एक साइट में जाने में लगते थे टैंकर को, वो 2-4 घंटे में ही पूरा किया जा सके। और फिर टैंकर्स के भरने के बाद
इनको हम या तो रेलवेज के माध्यम से ले आएँ, रोल ऑन रोल रोल ऑफ ट्रेन्स कहते हैं इनको, डबल इंजन ट्रेन्स होती हैं, और या फिर अगर वो संभव ना हो तो फिर उनको रोड के माध्यम से लाना पड़ता है। इसका कारण ये है कि जो रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन्स हैं उसमें एक कंटेनर की ऊंचाई की एक सीमा है, 3500 मिलीमीटर से अगर अधिक ऊंचाई होती है तो वो टैंकर्स को उस ट्रेन से नहीं ला सकते। तो जो बड़े टैंकर्स होते हैं 20 टन से या उससे ज़्यादा के, उनके लिए अक्सर ऐसा होता है कि उसमें फिर बाई रोड लाना पड़ता है, और जो छोटे टैंकर्स हैं उनको हम रोल ऑन रोल ऑफ से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इम्पोर्ट भी किया जा रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हम दोनों तरह के टैंकर्स लाएं, जिससे कि जुडिशियस मिक्स किया जा सके और हम अधिकाधिक मात्रा में कम से कम समय में ऑक्सीजन का मूवमेंट सुनिश्चित कर सकें। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने इन टैंकर्स का एक लाइव मॉनिटरिंग कर सके, जिससे कि हमें मालूम चले कि भाई जो टैंकर चला था किसी दिन एक जगह से प्रोडक्शन साइट से और अभी कहाँ पे है वर्तमान में और कब पहुँचेगा वो हॉस्पिटल। इसके लिए एक ऑनलाइन रियल टाइम टैगिंग सिस्टम बनाया है विद GPS टैगिंग। साथ ही साथ इन टैंकर्स को जो मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे जो गृह मंत्रालय है उसने कुछ आदेश पारित किए हैं। पहला तो 22 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने ये आदेश पारित किया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिससे कि सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को ये निर्देश दिए गए कि अनइंटरप्रेट मूवमेंट हो हमारी ऑक्सीजन टैंकर्स का। साथ ही साथ उनको पुनः ये निर्देश दिए गए कि इन ऑक्सीजन टैंकर्स को आप एडिक्वेट सिक्योरिटी दें और एक इनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, और जैसे कि आप एम्बुलेंसेस के लिए बनाते हैं। स्टेट्स यूटीज को ये भी निर्देश दिए गए कि चूंकि गंभीर स्थिति को देखते हुए कि वो अपने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाए जिसमें वो पूरा मॉनिटर करें मूवमेंट का, और आगे फर्दर उसका आपका जो भी कोई इसमें समस्या आए इंटर स्टेट मूवमेंट में उसका निराकरण करने के लिए उसको लिंक किया गया एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम से, जिसको और मजबूत करते हुए इसमें एडिशनल सेक्रेटरी तथा जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित किए गए, जैसे कि हेल्थ, इंडस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, रेलवेज, मॉर्थ इत्यादि। ये सारे ऑफिसर्स जो हैं ये एक सोशल मीडिया ग्रुप के पार्ट हैं, और जो कि रियल टाइम बेसिस पे 24/7 जो भी कोई समस्या आती है उसका तत्काल निराकरण करते हैं। और इसके बाद आती है बात, एक बार जब हमारी ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाए अपने निर्धारित गंतव्य स्थान पे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो इस संदर्भ में जो वर्तमान में व्यवस्था है वो हॉस्पिटल्स में जब ऑक्सीजन पहुँचती है तो उसको वहाँ पे दो तरह से स्टोर किया जाता है, एक तो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इन दोनों की भी संख्या में बहुत वृद्धि की गई है और अभी इसका जो और निरंतर प्रयास जारी हैं, इस संदर्भ में भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बाहर से भी मंगा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको हम जितने से अधिक मैक्सिमाइज कर सकें वो किया जाए। और अब इसके बाद बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम इसका जुडिशियस उपयोग करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके बारे में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, केवल उन्हीं केसेस में जहां ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ज़्यादा कम हो जाए, ब्रीदिंग में दिक्कत हो, वहां पे ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन देते समय भी कितनी ऑक्सीजन की मात्रा देनी चाहिए इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ नॉर्म्स हैं। तो हमने सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से ये आग्रह किया और निरंतर कर रहे हैं कि हम इसको लगातार सब वो लोग मिलें सारे हॉस्पिटल्स के साथ, निरंतर इस पर बातचीत संवाद जारी रखें, उनको सेंसिटाइज करते रहें और ये सुनिश्चित करें कि जो ऑक्सीजन का उपयोग है वो बड़ा जुडिशियसली किया जा रहा है जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। अंत में मैं एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारत सरकार तथा स्टेट्स और यूटीज की जो सरकार है, सभी बिल्कुल निरंतर एक दूसरे से मिल के एकजुट होके, और इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स तथा जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ
24/7 बेसिस पे निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि देश के किसी भी भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से हमारे जो देशवासी हैं उनको इस जिनको इस कोविड की वजह से ऑक्सीजन की आवश्यकता हो वो उनको समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके। मैं पुनः ये आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी को लेकर हम लोग किसी भी प्रकार के घबराहट में ना हो, कोई पैनिक में ना पड़े। ये बात ज़रूर है कि हमारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, हमारे पास पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है, पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी किसी कई जगह पे ये खबर आने लगती है कि साहब वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ख़त्म होने वाली है। पर हमारे सभी स्टेट्स और यूटीज़ ने इस बारे में बहुत अच्छा एक कंट्रोल रूम व्यवस्था डेवलप करी है ओवर द फ्यू डे लास्ट फ्यू डेज, और हमारे वर्चुअल सेंटर कंट्रोल रूम से हम लोग इसको रात दिन निरंतर मॉनिटर करते रहते हैं कि जहाँ कहीं से भी अगर कोई सूचना आती है किसी प्रकार की किसी हॉस्पिटल की, तो हम तत्काल उस स्टेट और यूटी के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट करते हैं कि आप तत्काल इसमें देखें क्या समस्या है, उसका निराकरण करें। और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से, हमारे सभी देशवासियों और आप सबके प्रयासों से हम लोग अभी तक हम लोग ने बहुत हद तक ये सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। तो पुनः आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह से इस बात को लेकर घबराए नहीं, कोई पैनिक क्रिएट ना करें और हम सब मिलके इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। थैंक यू, नमस्कार। मैं तीन चीज़ों पे टच करना चाहूँगा। सबसे पहले क्लिनिकल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे आप अभी बताया गया कि पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन डिमांड, बेड्स की डिमांड पूरी तरह से मीट की जाए और पेशेंट्स को एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो सेकंड वेव आया है उसकी जो एकदम रेट ऑफ राइज था वो बहुत रैपिड रहा है, इसलिए कुछ टाइम के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रेन पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनकी डबलिंग बहुत रैपिडली हुई है। अगर हम देखें तो जैसे पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक वार्ड में एडमिट होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 7 से 10 दिन वो वहाँ रहेंगे, तो टर्न ओवर टाइम जो है अगर वो कम हो जाए तो हॉस्पिटल्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर की जाए, और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है इट इज़ गोइंग टू Tier 2, Tier 3 सिटीज़, और जगह भी फैल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग सबकी हो, स्पेशली उन डॉक्टर्स की जिनको इतना आइडिया नहीं है कि ये जो नई बीमारी है COVID-19 इसको कैसे ट्रीट करना है। इसके संबंध में गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ने रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं, उसमें एम्स न्यू दिल्ली इज़ लीडिंग दैट, और हमने 14 ऐसे सेंटर्स पूरे देश में बनाए जो रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, जैसे PGI चंडीगढ़ है, जिपमर है, एम्स जोधपुर है, एम्स भुवनेश्वर है, KGMU है, या निग्रिम शिलोंग है। इन सारे जो सेंटर्स हैं इनके साथ एक मेंटरिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, और ये जो सेंटर्स हैं ये आगे जाके और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करेंगे इन कोविड मैनेजमेंट। तो चाहे Tier 2, Tier 3 शहरों के डॉक्टर्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स हों, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सबके लिए हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे जिससे हम उन सबको रीच कर पाएँ, उन सबको ट्रेन कर पाएँ, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपर हो और कोई भी पेशेंट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण उसकी जान ना जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स हैज़ टू बी अवॉइडेड, और बीमारी के बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर दे देते हैं, स्टीरॉयड दे देते हैं, और जैसे हमने अभी गाइडलाइंस में भी दिखाया होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि COVID-19 जो है, हम ये कह सकते हैं एक बायफेजिक डिजीज़ है, उसके दो फेजेज़ होते हैं। पहला फेज़ है जब वायरस शरीर में ज़्यादा फैलता है, नाक में, गले में, फेफड़े में, और उसके कारण बुखार होता है, जुखाम, नज़ला होता है, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में जब वो फेफड़े में ज़्यादा फैलता है तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, और हम उनको Stage 2 कहते हैं, जब हम तब सोचते हैं कि इस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है और एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर है या प्लाज्मा देते हैं। दूसरा फेज़ है जब वायरस इतना नहीं रहता है लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता,
और इम्यून सिस्टम के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती, तब स्टीरॉयड्स का रोल है और ड्रग्स का रोल है। अगर स्टीरॉयड्स हम पहले फेज में दे दें जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो फिर वो नुकसान ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि वो वायरल रेप्लिकेशन को और प्रमोट कर सकता है, वायरस और ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मिसयूज़ को अवॉइड करने के, ड्रग मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए ये रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए हैं, और ये हम कोशिश करेंगे कि हर एक डॉक्टर, चाहे वो रूरल एरिया में हो, उस तक ये जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं ये पहुंच पाए कि होम आइसोलेशन कैसे करना है, किस तरह से पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करनी है और क्या ट्रीटमेंट किस फेज़ में देने की ज़रूरत है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों में मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी अब रिलीज़ की हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि यंगर एज ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, उनमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन से ड्रग्स बच्चों में सेफ़ है, कौन से अवॉइड करने चाहिए, और कैसे उस उम्र के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं। और होम आइसोलेशन की तो ऑलरेडी बात कर दी गई है कि हम होम आइसोलेशन गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि केसेस, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हमें अपने केसेस भी कम करने हैं। और जैसे श्री लव अग्रवाल ने कहा कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली निभाने की ज़रूरत है, मैं तो ये कहूँगा कि हमें एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, एक अभियान शुरू करना चाहिए, ब्रेक द चेन मूवमेंट, कि हमें जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ना है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड को तोड़ना है। और इसलिए जब भी हम बाहर जाएं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, कुछ मास्क अपने साथ लेके जाएं, और अगर हम ये देखें कि किसी ने आसपास मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको एक मास्क भेंट कर दें कि आप प्लीज़ मास्क डाल लीजिए, ये हमारे और सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो तो वहाँ जाके हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, विनती करें कि प्लीज़ आप भीड़ ना बनाएं, इससे ये वायरस फैलेगा। तो ये हमें एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो घर में रहें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल एकदम अवॉइड करें। ऐसी अगर हम चीज़ें करेंगे और ये अभियान करेंगे कि हम आप खुद भी करें और देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, हमारी लोकेलिटी में सब लोग ये कर रहे हैं, तो इस वायरस को फैलने से हम रोक पाएंगे और अपने केसेस कम कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें तो मेरा ये मानना है कि हम ये जो वायरस को जो फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड है, इसको हम रोक पाएंगे। तीसरी चीज़ जो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा वो वैक्सीन के बारे में है। दो चीज़ें हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन कब लगा सकता हूँ। इसमें जो हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कम से कम 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये कहेंगे कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप लगा लीजिए, जब तक आपको पूरे लक्षण आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता और वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कारणवश आप दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हैं और वो डिले हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका सेकेंड डोज डिले हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन इनफेक्टिव है, वैक्सीन तब भी असरदार रहेगी और उससे इम्यूनिटी आपको तब भी मिलेगी। इसलिए दूसरा डोज लगाना ज़रूरी है। अगर कुछ दिन आगे पीछे डिले हो जाता है, कुछ हफ्ते आगे पीछे डिले हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे लगाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बूस्टर इफेक्ट देगा और वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें, और मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे स्टीरॉयड्स की बात हो, उसको हम बिल्कुल मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। थैंक यू। विल नाउ टेक ए फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। Sir, 2-3 important points that I want to know, because tomorrow we are rolling out, and as Dr. Randeep is pointing out, if India has to succeed, it has to be the vaccination program. But state after state are saying there are no vaccinations, and really this it's those who are already rolled in, they are not able to do it. So there's complete unsurety in terms of how it's going to roll out. So if you could please
clarify for the rest of the country, because everybody is worried, how is it going to, because in the light of today's Supreme Court saying we want a national immunization policy to carry on. These are the observations that they've made, but they have come down severely on what your triple policy. The second most important is you were talking about, which Dr. Randeep was talking about, medicines, and even you were saying protocol to give. Many of those life-saving drugs that you're talking about, be it Buticon or anything, they're not available in the market, even if for home isolation. So where do they get it? And lastly, what have you done as a health ministry and the Ministry of Home Affairs to have stopped these super spreader events like the Kumbh Mela or the election rallies? Did you do it? Now they all are saying do a national movement. What was done earlier? Why did you allow the situation to go out of hand? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको वैक्सीनेशन के विषय में बताया था, तो अगर आप देखें अब तक 15 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट्स को प्रोवाइड करके दी हैं। फेज़ थ्री में जब हम आ रहे हैं तो फेज़ वन और फेज़ टू में हमारा एफर्ट जो मेनली रहा है, जो कि एक साइंस की दृष्टि से भी क्लियर होता है, वह ये होता है कि 45 प्लस एज के लोग, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी कवर कर रही है, फ्री में ही देश को प्रोवाइड की जा रही है एडिशनैलिटी के रूप में। साथ में कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन फ्यूचर ऑल्सो और वैक्सीन भी अवेलेबल होंगी, कंसिडरिंग ऑल्सो द फैक्ट कि हम वैक्सीन का जो अवेलेबल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को दृष्टि में लेते हुए एक फेज थ्री के रूप में हमने कहा है कि जो स्टेट्स, जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एडिशनल वैक्सीन लेके उसको स्टार्ट करके एडिशनल, इन एडिशन टू प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री कवर करेगी, अगर आप उसे कवर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वह सारी की सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। कल ही पूरे डिटेल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हर स्टेट के साथ की गई, उससे पहले भी ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, जिसका एक ही पर्पज़ है कि स्टेट्स को कैसे ओरिएंट किया जाए कि वह इस एडिशनैलिटी का इस्तेमाल करके वाइडर सेट ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर सके। तो जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस टूल जो हमने जारी किए हैं, जो हम स्टेट को हैंड होल्ड कर रहे हैं, हमें लगता है कि कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे कि डिज़ाइन किया गया वैसे ही शुरू होगा, और धीरे धीरे, जैसे अगर आप देखें 16 जनवरी को जब देश में वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया था तो लिमिटेड सेंटर्स थे, धीरे धीरे वो सेंटर्स बढ़ते रहे, तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। दूसरा विषय जो आपने पूछा था, लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो आपको, हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें कि जो भी ड्रग्स हमने क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया है, जो ड्रग्स हमने होम आइसोलेशन में बताई हैं, वो सारी ड्रग्स आज आइवरमेक्टिन है, वह अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर वह अवेलेबल नहीं है तो काइंडली हमें बताइए, वी विल वर्क विद स्टेट्स, वी विल इंश्योर कि दे आर मेड अवेलेबल, बट आइवरमेक्टिन इज ए वेरी इजीली एंड ऑलरेडी रेगुलरली अवेलेबल मेडिसिन इन द कंट्री। इसी तरीके से जो और वैक्सीन, जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं, दो तरीके से इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक तो फॉर एवरीथिंग सॉल्यूशन इज नॉट रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब, दूसरा जो हमें समझना पड़ेगा, रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब के भी ऑल्टरनेट्स हैं विच आर वाइडली अवेलेबल, विच आर ऑल्सो चीपर देन द प्रेजेंट मेडिसिन बींग टॉक्ड अबाउट। तो एक तो यह है क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की वाइडर अंडरस्टैंडिंग एट द फील्ड लेवल विल हेल्प अस फैसिलिटेट अस। दूसरा चीज जो होगी साथ में, जो फिर भी ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग थे इनको हम कैसे बढ़ावा दें। तो मैं इन शॉर्ट आपकी दृष्टि में यही लाना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि जितना प्रोडक्शन रेमडेसिविर का इससे पहले होता था, अब उसका 4 या 5 गुना प्रोडक्शन कर दिया गया है, साथ ही इम्पोर्ट से रिलेटेड कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तो जो पूरा एफर्ट है देश का वह यही है कि जो भी हम ड्रग चाहिए, पहली तो हमारा एफर्ट हो कि वह सस्ती या अल्टरनेट ड्रग्स के रूप में जो इक्वली इफेक्टिव वो अवेलेबल रहे, दूसरा हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में देखें। आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हिच विल हाईलाइट द सेंस ऑफ अर्जेंसी वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट।
हमारी एक टीम जो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए गई, उसने टीम ने पाया कि सेम टाइम पर पेशेंट को टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर और प्लाज्मा तीनों एक साथ दे दिए गए। तो जो हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हर मेडिसिन का एक फेज होता है, एक टाइम होता है जब वो मेडिसिन दी जाए, अगर हम उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी हम उस सिचुएशन से उस पेशेंट को बचा पाएंगे। कई बार पैनिक या नॉन फॉलो अप प्रोटोकॉल कैन एक्चुअली बी हार्मफुल टू ए पेशेंट। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू सबमिट टू यू, रिक्वेस्ट यू प्राइमरी द फैक्ट कि ऑल्टरनेट मेडिसिन आर अवेलेबल, न्यू एग्जिस्टिंग मेडिसिन विच आर बींग टॉक्ड अबाउट ऑल्सो, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, इन सब पर काम हो रहा है। साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट का जो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस का जो इनिशिएटिव डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बताया है, जिसके थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि देश का हर डॉक्टर समझे, लेट अस डीमिस्टिफाई ये जो कई बार पर्टिकुलरली टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स में ये जो भय का वातावरण फैला है, इसको कैसे हम कम करें, इसके लिए भी एक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तीसरा विषय, जैसे आपने बताया, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो हमें समझना पड़ेगा कि हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हम शुरू से कहते रहे हैं कि आप कुछ भी अगर करें तो काइंडली प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस बड़े सिंपल हैं, सोशल वैक्सीन, दो गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, सपोर्ट इट विद क्लिनिकल मैनेजमेंट, लिंक इट विद वैक्सीनेशन। दिस इज द ब्रॉड स्ट्रैटेजी जिस पर कि देश काम कर रहा है और उस पर काम करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। तीसरी चीज हमें यह समझनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी इस प्रेजेंटेशन के रूप में भी दिखाया है, कि हमें वायरस की इस देश की ट्रेजेक्ट्री को समझना पड़ेगा। अगर आप देखें वायरस की ट्रेजेक्ट्री ने कैसे मूव किया है, वायरस की ट्रेजेक्ट्री महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, नाउ यूपी, इस तरह से मूव कर रही है, एंड नाउ वाइडर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस वायरस की ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए ये समझें कि आज पूरे देश में जरूरत है कि जहां जहां पर भी इन्फेक्शन फैला है हम उस पर काम करें। 104 पहले तो ये कि पैरासिटामोल तक नहीं है सफदरजंग हॉस्पिटल में, अगर आप उसको अवेलेबल करवा पाए तो देखिए, रेमडेसिविर आरएमएल में नहीं है, सफदरजंग में भी नहीं है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। खैर, मेरा सवाल ये है सर आपसे, मैं परिमल हूँ, कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे कल से क्या टीका लग पाएगा, अगर वो प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं तो, जो पहला और दूसरा चरण का टीका है, या वो जब तक प्रोक्योर नहीं करेंगे तब तक नहीं लगा सकते हैं, या कल भी टीका लगता रहेगा, क्योंकि ये निर्देश दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज चेन में जहाँ से उन्होंने टीका लिया है उसको लौटाना पड़ेगा, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल कल से टीका लगा सकते हैं, पुराना जो फेज वन फेज टू है वो? देखिए, स्टेट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कशन करके हमने उनको गाइड किया है कि जितने भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कोई फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया है, वह उसको अकाउंट फॉर करें, और साथ ही एडिशनल वैक्सीनेशन वह लेते हुए बाद में उन टीकाकरण सेंटर्स को चलाएं। ये क्लियर डायरेक्शन इशू की गई है। कल से क्या ये लोग टीका लगा पाएंगे, क्योंकि तो इनको टीका कहा गया लौटाने के लिए 30 अप्रैल के बाद से। देखिए, जितने भी सेंटर्स हैं जिनको की जो कि वैक्सीन जैसे कि गाइडलाइंस में इशू किया गया, जो प्रोक्योर करेंगे वह टीका लगा पाएंगे। जहां तक मेरी नॉलेज में, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, मुझे जो बताया गया है वह यही है, लेकिन अगर इसके फैक्ट्स थोड़े से भी भिन्न होंगे तो वी विल गेट बैक। नंबर 10। सर, मैं कुमार कुंदन हूँ, TV9 भारतवर्ष से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कल किसी भी टीकाकरण सेंटर पर ना जाएं, क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र ने भी कहा है, वहाँ पे जंबो सेंटर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कल से इतना बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, आखिर लोग कहाँ जाएं? रजिस्ट्रेशन 2.5 करोड़ लोगों ने करवा लिया है, किसी को टाइम स्लॉट अभी तक मिला नहीं है, तो ये कब से शुरू होगा, सरकार स्पष्ट रूप से बताए, पहली चीज। और दूसरा, विदेशों से जितने भी ये आर्थिक मदद और सब कुछ तरफ मिल रही है, वो किन किन राज्यों को जा रहा है, अगर हम इक्विपमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो? देखिए, टीकाकरण के विषय मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं
तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है वहाँ पर यह टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। साथ ही जो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री टीकाकरण किया जा रहा है वह उसी गति से और उससे भी अधिक गति से चलता रहेगा। यह जो नया प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस इज ए पेड प्रोग्राम और अदरवाइज अनलेस इन द स्टेट गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज इट इज दैट टाइप ऑफ ए प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी 15 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और उसी स्पीड से और उससे भी अधिक स्पीड से इसको कार्य को चलाने के लिए कार्य चल रहा है। साथ ही धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने वाला प्रोग्राम शुरू होगा और धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर वह भी एक उस लेवल तक आएगा जिससे हम वाइडर पॉपुलेशन कवर कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। विदेश से जितने भी हमारा जो सामान आ रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको समझ रही है, समझने के बाद एक प्रोसेस से बेस्ड ऑन नीड उसको एलोकेट किया जाएगा। कुछ ही देशों से जो हमारे मित्र देश हैं जिससे कुछ सामान आया है उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी सप्लाई आनी शुरू हुई है, वह प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, उनका लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट टाई अप किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।